ऐसे तो मशरूम्स साल भर मिलते हैं, बट सर्दियों में जो मशरूम्स आते हैं ना, सीजनल मशरूम्स का मजा ही कुछ और है। तो आज यही मशरूम्स यूज करके मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी बटर गार्लिक मशरूम्स। आइए देखते हैं इसे मैं कैसे बनाती हूँ। एक पैन में मैंने डाला बटर, तो बटर थोड़ा ठीक से लीजिएगा क्योंकि ये बटर गार्लिक मशरूम्स है। इसके ऊपर डाला मैंने आधी कटोरी बारीक कटा हुआ गार्लिक, तो गार्लिक इसका बहुत ही फ्लेवर उठा देता है, तो बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया, मुझे बटर अभी भी थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा बटर इसमें और डाल दिया। फिर डाला मैंने इसके ऊपर एक बारीक कटा हुआ प्याज, इसको अच्छे से मैंने भूना जब तक इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन नहीं हो गया। फिर मैंने डाले इसके ऊपर मशरूम्स, तो इन मशरूम्स को मैंने धो के अच्छे से सुखा लिया था, और उसके ऊपर डाला थोड़ा सा नमक और काली मिर्च। तो नमक के डालने पर ना मशरूम्स अपना पानी रिलीज करते हैं, और ये फिर मैंने इनके अपने ही जूस में पकने दिए। जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए तो मैंने डाला इसके ऊपर फ्रेश हरा धनिया। तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो उसका कुकिंग टाइम था 5 से 7 मिनट जिसमें ये तैयार हो गए थे। जितने जल्दी ये बने उससे जल्दी ये खत्म हो गए थे, क्योंकि ये इतने टेस्टी बने थे कि पता ही नहीं चला कहाँ गए। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और ऐसी और अमेजिंग रेसिपीज को देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा।